सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बिफोर मेकअप क्या क्या हमें लगाना चाहिए। सबको अक्सर कंफ्यूजन होता है कि हमें मेकअप करने से पहले क्या क्या चीज़ें यूज करनी चाहिए। तो आज ये वीडियो में सिर्फ 2 मिनट की वीडियो है, 2 मिनट में आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि मेकअप करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें यूज करनी चाहिए, क्या नहीं यूज करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाली हूँ। आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेकअप करने से पहले सबसे ज़रूरी अपने चेहरे को क्लीन करना। तो सबसे फर्स्ट स्टेप अपने चेहरे को फेस वॉश कर लीजिए। उसके बाद यूज करिए आप टोनर। टोनर को इस तरह लगाना है, डैब डैब करके सुखाना है, 2 मिनट तक छोड़ देना है। उसके बाद हम यूज करेंगे सीरम। ये विटामिन सी सीरम है, गुड वाइब्स का है। इसको भी हल्के हाथ से के बाद भी दो सेकंड तक आप इसको स्किन में मिल जाने। 2 सेकंड हो चुका है और सीरम अच्छे से मैं स्किन में मिल चुकी है। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग सीरम यूज कर करिएगा, जैसे आपकी स्किन हो, ऑयली हो, नॉर्मल है। मेरी नॉर्मल है तो मैंने विटामिन सी का सीरम यूज किया है। उसके बाद में हम यूज करेंगे मॉइस्चराइजर। ये बायोटिक का मॉइस्चराइजर है, ऑल स्किन टाइप इसमें लिखा है, तो मुझे बहुत काफ़ी पसंद आता है ये मॉइस्चराइजर। आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। तो इतना लेना है मॉइस्चराइजर को। को जो मॉइस्चराइजर चाहिए उसको मिल जाता है, इससे हमारी स्किन रफ नहीं होती है। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आप इसको 2 मिनट तक छोड़ दीजिए। स्किन से मिल चुका है, मैंने फेस वॉश किया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं लगाया था। तो आई होप आप भी फेस वॉश करने के बाद कुछ ना लगा, उसके बाद जो जो मैंने स्टेप बताया वो यूज करिए आप। बिफोर मेकअप हमें क्या यूज करना चाहिए, मेकअप करने से पहले हमें क्या क्या यूज करना चाहिए, मैंने वो बताया है। आप उसी स्टेप से चल सकते हैं। देन लास्ट में मेकअप बेस में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है प्राइमर। तो प्राइमर से हमारी स्किन लॉन्ग लास्टिंग रहता है, स्मूथ रहता है, टेक्सचर ज़्यादा देर तक टिका रहता है और कहीं पैची सा नहीं दिखता। आपने देखा होगा आपका मेकअप यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे रहता है जहाँ आपको पसीने ज़्यादा आते हैं, तो वो ये इससे नहीं होगा। आपका प्राइमर आपको ज़्यादा नहीं लगाना होता है, बहुत कम, एकदम चने के दाने के बराबर ही आपको प्राइमर यूज करना होता है, बिल्कुल इतना सा। जहाँ आपका मेकअप जल्दी रिमूव हो जाता है वहाँ आपको प्राइमर लगा लेना चाहिए। तो मेरा मेकअप यहाँ से जल्दी रिमूव हो जाता है और सारी स्किन में भी तो लगाना ही है, तो मैं इसमें सब स्किन में इसको प्राइमर को ज़्यादा ऐसे रफ नहीं कराता, डैब 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 करके ही लगाना चाहिए, जिससे हमारे ओपन पोर्स रहते हैं वो पोर्स में जाके पोर्स को मिनिमाइज कर देता है प्राइमर। इसके लिए आपको डैब डैब करके ही लगाना है। अगर आप रफ करके लगाएंगे तो प्राइमर निकल जाएगा, लगेगा नहीं। फेस में सबके प्रॉब्लम होती है, ओपन पोर्स के, रिंकल्स के और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम रहती है, तो प्रॉब्लम को हाइड करता है प्राइमर। तो मोस्ट पार्ट है मेकअप का प्राइमर। तो इसके बाद से आपको जो भी लगाना आप इसके बाद से लगा सकते हैं। तो मैं घर पर रहूँगी तो मैं ज़्यादा मेकअप नहीं प्रिपेयर करती। मुझे बीबी क्रीम काफ़ी पसंद आती है, तो ये है पोन्स का बीबी क्रीम, तो मैं यही लगाती हूँ, अच्छा होता है। आप ये चीज़ें यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप कोई सा भी फाउंडेशन क्रीम लगा सकते हैं। तो मैं अभी बीबी लगा रही हूँ, बस आपको दिखाने के लिए। क्रीम को हमेशा ऐसे ही लगाना चाहिए, डैब डैब करके तो लगाऊँगी इस तरह से। देखिए कितने अच्छे से अब मेकअप लग जा रहा है। तो मैंने बीबी क्रीम लगा ली है, आप देख सकते हैं कितना निखार आ जाता है बीबी क्रीम से, मुझे काफ़ी पसंद है। उसके बाद आप पाउडर लगा दीजिए, पाउडर लगाइए, मेकअप करिए, कुछ भी करिए आप उसके बाद कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि मेकअप करने से पहले क्या क्या लगाना चाहिए। आई होप आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमें शेयर करिएगा ज़रूर, और बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे हमें नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। तो तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, इंजॉय करते रहिए। बाय।